वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों हीरो ब्रांड एसएमपी वर्ल्ड में पहली बार आए थे। पहले ये बताओ अपना घर एक बनाए या फिर अलग अलग, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही है। एक ही बना दे, साथ में रहेंगे, हम पड़ोसी की तरह रहेंगे, ठीक है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। नहीं नहीं, सीन हो गया भाई, मेरा स्कैम हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया है, भागो भाई। तुमने तो यहाँ पे 1v5 या 1v6 प्लस कर दिया। एक दूसरे पे विश्वास था। ओ भाई, इनकी बारात आ रही है पूरी, भागो। सुनो सुनो अजू भाई, ये पत्थर लगा के ऊपर चढ़ जाओ, बस ऐसे करके पत्थर निकालो अपने हाथ में, पीछे पीछे क्रीपर, भागो भागो भागो। अरे यार आ जाओ, बस मेरे को नीचे गिरा दे। अरे भैंस के, हम गए, मैं ओ गया मैं तो। और प्यार था वो वाला प्यार नहीं यार, तुम अलग ही यार। सीरियस हो जाओ यार, 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ प्लीज। दोनों के बीच प्यार था, फिर मैं वहीं आके समझ जाओ, फिर दो मिनट सीरियस हो जाओ। हाँ तो प्यार था। और फिर जैसे जैसे एसएमपी में मेंबर्स बढ़ते गए, रोल्स और भी ज्यादा टूटने लगे। कोई किसी के घर से सामान चुरा रहा है तो कोई किसी के घर कोई जला दे रहा है, जिस चक्कर में एसएमपी में बहुत ज्यादा लड़ाइयां स्टार्ट हो गई। और फिर बारी आई एक न्यू लीडर चुनने की, जो कि पूरे एसएमपी को कंट्रोल करेगा, न्यू रूल्स बनाएगा, गलती करने वालों को सजा देगा और सारे एसएमपी के मेंबर्स को अपने कंट्रोल में रखेगा, ताकि सब लोग एक दूसरे से प्यार करें और अच्छे से रहें। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि आखिर हीरो ब्रायन एसएमपी का लीडर कौन बनेगा। हमारा बस इतना प्लान था कि हम एक मीटिंग बिठाकर किसी ऐसे बंदे को लीडर बनाएंगे जो पूरे एसएमपी में प्यार बढ़ा दे, लड़ाइयां दूर कर दे और सब कोई अच्छे से रहने लगे। बट सब कुछ इसके एकदम अपोजिट हो गया। अज्जू भाई को लगा कि लीडर सब लोग मेरे को बनाने वाले हैं, और इसी चीज को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ हर एक हीरो ब्रायन एसएमपी के मेंबर को भड़काना शुरू कर दिया, पूरा एक सीक्रेट प्लान रिवील कर दिया मेरा। एक्चुअली वो कोई सीक्रेट प्लान नहीं था, वो एक टाइप से मैं एक नई जॉब स्टार्ट करने की सोच रहा था इस एसएमपी में। मैं सभी विलेजर्स को अंडरग्राउंड लेकर इसलिए जा रहा था क्योंकि अज्जू भाई उसे यहाँ पर हमेशा मार देते थे। वो सारे विलेजर्स यहाँ पर रहते थे और अज्जू भाई ऐसे आके बेमतलब उसे मार देते थे, रस्ते खोल देते थे और वो विलेजर यहाँ से भाग जाते थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें एकदम अंडरग्राउंड लेकर चलते हैं और मैं एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूंगा एसएमपी में कि मैं उनसे ट्रेड लूंगा, मींस उनसे कोई भी एंचेंटेड बुक्स या फिर कुछ भी खरीदूंगा और अपने एसएमपी के बंदों को लाकर कुछ एक्स्ट्रा एमरल्ड में बेच दूंगा। मींस 14 एमरल्ड की बुक मैं इन्हें 16 एमरल्ड में बेच दूंगा, जिसमें 2 एमरल्ड मेरी कमीशन होगी। अब वो कमीशन किस लिए, क्योंकि भाई मैं उन विलेजर्स का ध्यान रख रहा हूँ, उनकी तादाद बढ़ा रहा हूँ और तुमको सिर्फ 2 एमरल्ड में मैं वहाँ से सामान लाकर दे दे रहा हूँ, होम डिलीवरी। तो ये एक टाइप से जॉब था। और अज्जू भाई ने इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि मैं कोई बहुत गलत काम कर रहा हूँ और इस टाइम हीरो ब्रायन एसएमपी के सभी लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं और अभी मुझे समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि सब लोग मुझे ही लीडर बनाएं। मेरा पहले ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे इस एसएमपी का लीडर बनना है, बट ये जो हरकत अज्जू भाई ने करी है ना, अब पानी सिर से पार जा चुका है। अब चाहे लीडर कोई भी बने, बट अज्जू भाई नहीं बनने चाहिए, मेरा बस इतना ही मकसद है। अब देखो, मुझे ऐसा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि जिससे सब लोग अज्जू भाई को छोड़ के मुझे वोट डालें या फिर किसी और को वोट डालें। अज्जू भाई को वोट नहीं जाना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो पूरा एसएमपी है इसमें मेन तो यूनिटी होनी चाहिए भाई। पहले कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, कहीं से भी सामान चोरी हो जाता है, कोई किसी का घर जला देता है। चपाती भाई ने ये थोड़ा स्कूल जैसा घर बनाया था, बट फिर भी यार जलाना नहीं चाहिए था, चाहे कितना भी घटिया लगे जलाना नहीं चाहिए था। जलाने के बाद क्योंकि और घटिया लग रहा है। मैं चाहता तो अज्जू भाई का ये लकड़ी का घटिया सा घर भी चला डालता, एक माचिस की तिल्ली लगेगी पूरा राख हो जाएगा, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये जो काम है कोई और ही करके चला गया भाई। किसने करा यार, जो भी करा है ना भाई, दिल से लव यू भाई, मतलब क्या ही पूरा घर, भाई 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 मजा। TNT और रख देते ना, सारी चेस्ट भी फूट जाती, मजा आ जाता। बट मैं ये काम नहीं करने वाला क्योंकि अभी मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना है, अभी मुझे सारे अच्छे काम करने। सबसे पहले चपाती भाई को इंसाफ दिलाना है, हीरो ब्रायन एसएमपी की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर जितनी भी दिक्कतें हैं मुझे उन सबको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देखो, किसी ने लावा रखा हुआ है तो इसको मैं ढकूंगा नहीं, यहाँ पर मैं लगाऊंगा कारपेट। कारपेट से क्या होगा कि लावा भी अगर किसी का होगा तो वो बाद में काम आ जाएगा और किसी को चोट भी नहीं लगेगी। मान लो कल को कोई जा रहा है इसके अंदर ऐसे गिर जाए तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड सॉरी सॉरी चपाती भाई, सॉरी यार।
यार चपाती भाई, अब ऐसा मत करना कि एक लावा के लिए आप वोट नहीं दोगे। मैं इस घर में आपकी शक्ल देख पा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वोट आपका मेरे को ही आना चाहिए। ओके गाइस, तो मैंने मैसेज डाल के सभी लोग को कम्युनिटी हॉल इस टाइम पे बुला लिया है, ताकि मैं एक बारी उनकी राय सुन पाऊँ कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं हीरो ब्रायन एसएमपी के एक लीडर से। मैं लीडर हूँ तो नहीं, बट हाँ मेरा यही मकसद है कि अज्जू भाई लीडर नहीं बनने चाहिए, और उनके अगेंस्ट किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना। हेलो ईशान भाई, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग, आप दोनों थे और आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहोगे। देखो मेन क्या, अभी एसएमपी में थोड़ी बहुत जैसे चोरियाँ हो रही है, मेन सामान का उतना टेंशन नहीं है, बट चोरी एक होती है तो थोड़ा बुरा लगता है कि कोई हमारे घर में आया, प्राइवेसी में आया और सामान लेकर चला गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप ऐसा क्या चाहते हो कि हीरो ब्रायन एसएमपी की जो जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए? देखो भाई, मेरी तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है पूरे एसएमपी में, पता है क्या? हाँ, विलेजर्स हम लोगों ने इतनी मेहनत से 600 ब्लॉक दूर लाए थे, पता है क्या भाई? और मैंने यार सारे विलेजर्स को मैक्स किया था यार, भाई कितना दुख हुआ पता है मेरे विलेजर्स को? वो मैं समझ सकता हूं, डायमंड्स एमराल्ड्स गिर जाते हैं दुख में। आप टेंशन मत करो, ये सारी प्रॉब्लम की तो गारंटी मेरी है कि ये सब तो मैं 100% दूर कर दूंगा। विलेजर इतने सेफ होंगे ना, ऐसे गोलेम लगेंगे, कुत्ता बना देंगे जो बिना परमिशन के। देखो जो भाई, मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो शांति, यहाँ पर एक तो शांति का माहौल बिल्कुल नहीं है, कोई छोटी मोटी गड़बड़ करता है उसको मारना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक प्रिजन बने, और वो इतना तगड़ा प्रिजन हो कि भाई जिसने कुछ गड़बड़ करी वो सीधा जेल में जाए। ये प्रिजन की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर कोई भी किसी को बेमतलब ऐसे अटैक करता है, उसे मारता है, उसको तुरंत प्रिजन भेजा जाएगा। मुझे ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे नेदर को सेव कर दे एकदम, नेदर बहुत डेंजरस हो रहा है और हमें कहीं पता ही नहीं। अच्छा, आपका मतलब है कि नेदर में जो फोर्ट्रेस का सीधा रास्ता जा रहा है, कल को हमें विदर चाहिए, ब्लेज चाहिए, तो वो पक्का वो भी बन जाएगा। ये सब चीजें चाहिए, नेदर एक सेफ प्लेस बना दो आप। ठीक, चलो वो भी पक्का होगा। एंड थैंक यू यार, आप तीनों लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले जो मेरे से गलतियां हुई हैं मैं उन्हें सुधार लेता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने गलती से एंड्रोबी का एक हॉर्स मार दिया था, और मैंने उसके लिए यहाँ पे अपोलोजाइज भी किया है। मैंने बिक्सू को साफ साफ यहाँ पर सॉरी लिख दिया। वो जो हॉर्स है उस पर एंड्रियो बैठा हुआ था और वो मेरे को चैलेंज कर रहा था। मैंने दूर से एरो मारा और वो एरो उसके हॉर्स के लग गया और वो हॉर्स मर गया। और ऐसा नहीं है, मैंने उसके लिए दूसरा हॉर्स ढूंढा, उसको गोल्डन आर्मर पहनाया, और वो जो हॉर्स है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस देखो, यही है वो जगह जहाँ पर मैंने अपने भाई बिक्सू के लिए हॉर्स ढूंढ के छुपाया है। एंड यहाँ पर मैंने देखो लिख भी दिया था डू नॉट टच, और इधर भी मैंने कुछ लिखा था डू नॉट टच, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मैंने गलती करी है, मतलब ये उसके बाद की बात नहीं है कि मैं अब अच्छा बन के दिखा रहा हूँ, ये मैंने पहले ही का कर रखा था, ये देखो। ओके गाइस, तो इस हॉर्स को लेकर मैं बिक्सू के घर पे पहुंचने वाला हूँ। एंड सॉरी बिक्सू, मैं एकदम सेम हॉर्स तो नहीं ला पाया, बट मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करा। आई थिंक भाई तू इसमें खुश हो जाएगा, इस एसएमपी को हम सब लोग मिलके और भी कई गुना ज्यादा सुंदर कर देंगे। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है यहाँ पे। तो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ बाकी काम करने के लिए, क्योंकि अगर हीरो ब्रायन एसएमपी का लीडर बनना है तो मुझे सबकी रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी। बाय बाय।